हम रावलपिंडी में हैं, शुमाली पाकिस्तान का सबसे मसरूफ और सबसे बड़ा शहर, और पाकिस्तान कप का आज सबसे बड़ा मुकाबला है लाहौर और कराची की टीमों के दरमियान। यहाँ शान मसूद ने हसबे रिवायत पहले बॉलिंग करने का ऐलान किया। लाहौर की टीम में आज इमरान डोगर की शमूलियत हुई है और मोहम्मद अखलाक को ड्रॉप कर दिया गया। आज पिछले मैच में विकेट कीपिंग कर रहे थे उमर अकमल, आज विकेट कीपिंग के ग्लव्स संभालेंगे। तीन फास्ट बॉलर्स हैं इस लाहौर की साइड में, आमिर जमाल, उनके अलावा अहमद दानियाल जो इन फॉर्म है, और अहमद बशीर भी। कराची की टीम हमेशा की तरह बैटिंग के शोबे में मजबूत। नौमान अली की वापसी से इनका जो बॉलिंग का हाथ है वो भी बेहतर होगा। आफ्ताब इब्राहिम जो है ये अंडर 21 कैटेगरी की वजह से टीम का हिस्सा बने। आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे क्योंकि सरफराज अहमद आज बुखार के सबब इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे। सुहेल खान जहां हूं, अगर नई गेंद इनके हाथ में होगी तो स्विंग होगी। आउट स्विंग करने पर इनको हमेशा से मलका रहा है, वनडे में अभी तक शायद इन्हें मौका नहीं मिला। और एक शानदार स्ट्रोक आबिद अली का, क्लिप किया इसे अपने पैड्स के ऊपर से और बहुत ही अथॉरिटी के साथ चार रन हासिल किए। एक इन स्विंगिंग बॉल को बहुत ही शानदार कंट्रोल के साथ खेला इन्होंने। इन द एयर बाय द वे, ब्यूटीफुली प्लेस्ड बाय इमरान डोगर, फर्स्ट बाउंड्री फॉर हिम एंड लाहौर बॉयज, दे आर ऑल हैप्पी। सेकंड फॉर लाहौर, फर्स्ट फॉर इमरान। Half-hearted start into a big one. Oh, was in the air but away. A bit risky, but he will take it, Abid Ali, because runs matter at the moment. A boundary towards point for Abid Ali. Oh, wow, look at that for timing. The sound that it made right from the bat, that is authority by Abid Ali. So it just not has been that kind of a bowling performance from the fast bowlers. What a shot, picked up the length early, and that is the intent and the class we've been talking about. Imran Dogar has put it over the mid wicket fence for a boundary. Edged and gone. This is the first wicket. Yes it is. Aftab Alam getting the first wicket. All the hard work done by Imran Dogar going waste with that expensive drive. Tentative push outside off stump, a conventional edge. Azam Khan making absolutely no mistake. It's a first list A wicket for the youngster Aftab Ibrahim, and he gets the better of Imran Dogar, who had a slow start but he could not convert that into a big score. 17 of 38 for Imran, 43 for 1 Lahore Whites. Flagged, tackled, four runs for Ahmed Shahzad. Good way to start your inning. Lahore Whites need a good inning from Ahmed Shahzad. इस दफा connection बेहतर रहा, अच्छा sound बल्ले का, deep mid wicket का area जहां ball fence पार कर गई चार runs के लिए। बहुत ही outstanding stroke खेला है, लेकिन शायद dot balls की वजह से खासा pressure था उन पे, और यहां पर Ahmed Shahzad ने भी pressure को तोड़ने की कोशिश की, कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो shot ना खेल सके जो खेलना चाह रहे थे, लेकिन चार रन जरूर मिल गए उन्हें। बॉल कर दिया, ऑफ स्टंप पे जाकर लगा बॉल, और नौमान ने आते ही एक प्राइस विकेट हासिल कर ली। अहमद शहजाद अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने के साथ साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मैं पिछले बॉल पे निकला हूं तो अब बॉल शॉर्ट करेंगे, लेकिन नौमान अली एक क्लेवर बॉलर है, एक सीजन टेस्ट बॉलर है, उन्होंने अपनी लेंथ नहीं तब्दील की बल्कि थोड़ी सी स्पीड ऐड की उस बॉल में, और अहमद शहजाद जो कि बैकफुट पे बॉल का वेट कर रहे थे उन्हें जाना होगा, बोल्ड हो गए। 10 रन बनाए, 11 गेंदे खेली, और लाहौर की दो विकेट्स अब गिर चुकी हैं और 14वें ओवर का खेल जारी। लेकिन
यहाँ पे चार रन बनेंगे। आबिद अली कदमों का बहुत ही शानदार इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे निकले और इस गेंद को बनाया उन्होंने, अपनी टांगों पे लिया और वहां से फ्लिक करके चार रन हासिल करने में कामयाब हुए। ऑन साइड पे कैच की कॉल और सीधा हाथों में थ्रो कर दी विकेट अपनी जब वो सेट हो चुके थे। एक ही फील्डर बाउंड्री पे मौजूद था जिसकी तरफ उन्होंने अपने स्ट्रोक खेल दिया और यहां पर अपने सिवा किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और एक केयरलेस शॉट कहूंगा मैं, क्योंकि आबिद अली जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, आप उम्मीद करते हैं कि जब वो इतनी अच्छी बारी ले रहे हैं तो इसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, और स्पेशली जब मैच इस नौयत का है कि यहाँ से एक टीम का सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करना खासा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर 68 पे तीसरी विकेट गवाई लाहौर वाइट्स ने और 18वें ओवर का खेल जारी। उम्दा शॉट, इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा सामने खेल दिया चार रन के लिए। लेकिन उनकी बॉल में कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर है। फिलहाल ये बॉल भी सीधा रहा, बैकफुट पे जाकर पंच किया इसको एक्स्ट्रा कवर की जानेब, प्लेसमेंट अच्छी रही, अनवर अली के पास कोई मौका नहीं इस बॉल को रोकने का, चार रन गए। कदमों का इस्तेमाल किया खूबसूरती के साथ फहद मुनीर ने, ये गेंद मिड विकेट फेंस को क्लियर कर जाएगी। इस इनिंग्स का पहला छक्का फहद मुनीर के बल्ले से आया और इसके साथ ही निस सेंचुरी शराकत दारी भी मुकम्मल हुई। उठा दिया इस गेंद को तैयब ताहिर ने, सही तरह टाइम नहीं कर पाए लेकिन फिर भी फील्ड को अबूर जरूर करेंगे और चार रन मिल जाएंगे यहां पर तैयब ताहिर और लाहौर वाइट्स को। और शॉट गेंद इसको खेलना चाह रहे थे लेकिन अब की बार अनवर अली कामयाब हो जाएंगे, उन्होंने बदला चुकाया पिछली गेंद का। एक अच्छी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसको पुल करने की कोशिश में फहद मुनीर की अच्छी इनिंग्स का इख्तिताम। लेकिन इस दफा अनवर अली ने अच्छा देखा, पीछे बॉल किया, ऑन साइड पे खेलने के लालच दिया लेकिन लालच बुरी बुला है और अपनी विकेट गवा बैठे। अनवर अली की अच्छी हिकमत अमली जहां पर उन्होंने विकेट हासिल की, 31 रन बनाए फहद मुनीर ने 135 पे चार। और यहां एक और शॉट निकल के खेला और मिड ऑफ पे फील्डर जो थे उसको रोकने में नाकाम रहे, चार रन हासिल किए उमर अकमल ने। अच्छा शॉट, कोई फील्डर नहीं हिल सकेगा अपनी जगह से ज्यादा, बेहतरीन आवाज आई थी उमर अकमल के बल्ले से। एक और उम्दा शॉट, इस बार ऑफ द बैक फुट खेला और गेंद पीछे छोड़ जाएगी दानिश अजीज को, तो 50 का हिंसा पार किया। काबिले तारीफ इनिंग्स तैयब ताहिर की, मुश्किल हालात में टीम को और खुद उनको भी जरूरत थी और ये मुश्किल रन उनने बनाए हैं तैयब ताहिर ने, इसलिए और दाद के मुस्तहिक। और शानदार शॉट, ये बुलंदो बाला छक्का और ये गेंद गई 8वें जीने पे। तो किसी हद तक खतरे से खेल रहे हैं सुहेल। और ये एक और सनसनीखेज बैटिंग उमर अकमल की, वो बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे सुहेल खान को, विथ या स्पेस नहीं दे रहे। एक और लोर फुल टॉस जिसे खेल दिया है पॉइंट के जाने पर, उतनी शानदार फील्डिंग, क्या पूरी तरह रोक सके, नहीं, एफर्ट बहुत शानदार थी। हवा में बॉल है, फील्डर मौजूद हैं, आसानी से ये कैच ले लिया असद शफीक, बहुत ही शानदार फील्डर है, ये मिस आउट नहीं करेंगे, बड़े शॉट खेलने गए थे। थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, इस दफा अनवर अली ने स्पेस दिया उमर अकमल को लेकिन प्रॉपरली इसको अवेल नहीं कर पाए, बॉल को हवा में उछाल दिया और काफ़ी देर तक बॉल हवा में रही आसानी के साथ, ईजी। असद शफीक कुछ देर पहले उनके लिए हालात साजगार नहीं थे लेकिन अब कैच थामा, पार्टनरशिप ब्रेक की और उमर अकमल को 45 के इनफरादी स्कोर पर आउट किया। गो के क्विक अच्छा डेंट किया उन्होंने बॉलर्स को, 216 पे 5। ऑन साइड पे पंच, बहुत ही खूबसूरत इनफैक्ट शॉट था, पुल किया इसको चार रन के लिए और फाइन लेग चूके दायरे के अंदर था, अच्छा यूज ऑफ माइंड। तैयब ताहिर का सीधा शॉट, अच्छी बॉलिंग है ये और उतनी ही शानदार फील्डिंग करने की कोशिश की गई थी लेकिन हाफ स्टॉप हुआ यहाँ अमाद आलम की जानिब से।
इस बार स्लोअर वन जिसे अच्छा स्विंग किया है चार रन के लिए फाइनल की जानब. कंफर्टेबल नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन रन आएंगे, चार रन मिलेंगे तैयब को. फुल टॉस, इसी का वेट था, इसे खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से. ये बहुत ही खराब बॉल था और रेयर खराब बॉल जो अनवर अली ने किया है. लेग साइड पे फुल टॉस, सिर्फ फ्लिक किया है, फ्लैट बैट कर दिया है. मिड ऑफ का फील्डर था लेकिन देखता रह जाएगा वो, क्योंकि इतना जोरदार ये शॉट था चार रन के लिए तैयब ताहिर की जानिब से. 92 रन पर पहुंच गए हैं. आखिरी बॉल लाहौर वाइज की इस इनिंग की, साद नसीम फेस करेंगे एक बार फिर. बेहतरीन ओवर है ये, बेहतरीन बॉलिंग सोहेल खान की जानिब से. बॉल रिवर्स आता हुआ देखा और उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है सोहेल खान ने और अपनी इनिंग को 249 तक पहुंचाया. तैयब ताहिर ने शानदार इनिंग खेली 93 रन की. साद नसीम नॉट आउट रहे 9 रन बनाकर. Well, शुरुआत एक दफा फिर वॉचफुल थी लाहौर वाइट्स की जानिब से जब आबिद अली ने 33 रन स्कोर किए 47 बॉलों में. इमरान डोगर कलर्स में नजर नहीं आए, उनके साथ अहमद शहजाद ने भी कोशिश जरूर की लेकिन रन नहीं कर पाए. 93 रन की एक शानदार इनिंग खेली रन बॉल तैयब ताहिर ने, जिसकी वजह से ये जो मैसिव कहना चाहिए पिंडी पे टारगेट बना और उसके बाद 31 रन बनाए फहद ने, जो कि इमर्जिंग क्रिकेटर है. उमर अकमल डेंट अच्छा कर गए 35 बॉलों में 45 और साथ आखिर में आए, साथ दिया उन्होंने तैयब का. ओवरऑल 249 5 के नुकसान पे. वेल, इस वक्त जो बॉलिंग कार्ड है वो कि शुरू में बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करवाई, दरमियान में आप कह सकते हैं कि अपने जो टारगेट्स थे उनसे अवे रहे, जिसकी वजह से इकॉनमी रेट जो 2-3 बॉलर्स का है वो ज्यादा रहा और 2-2 विकेट हासिल किए अनवर अली नौमान ने और एक विकेट शेयर किया आफ्ताब ने. 250 रन बनाने होंगे कराची वाइट्स को अपने 45 ओवर्स में, 5.55 रन पर ओवर उनको बनाने होंगे. एक स्लिप के साथ शुरू कर रहे हैं अहमद, अराउंड द विकेट. अच्छा आगाज किया, दूसरे रन के लिए भी वापस चले जाएंगे. उम्दा प्लेसमेंट थी और साथ साथ विकेटों के दरमियान दौड़ शान मसूद की. हाँ, ये शानदार शॉट, नो लुक शॉट और गेंद पहुंच गई मंजिलों दूर. शानदार कवर ड्राइव आलम, ये बेहतरीन शॉट था आज के दिन का. ये खतरे की घंटी है. रन्स यहां पर तीसरे के लिए भी वापस आना चाहिए. गेंद आहिस्ता आहिस्ता ये पहुंच गई आखिर तक, ये दौड़ाती चली गई दोनों फील्डर्स को. और ये इनकी स्ट्रेंथ है, एक बार फिर ये गेंद जो है ये जीत गई. इसके पीछे गए थे साद नसीम, टाइमिंग लाजवाब शान मसूद की, वो डबल फिगर में पहुंच गए. एक और आला शॉट और एक और छक्का, ये दूसरा साइम अयूब का और सरासर टाइमिंग थी इस बार भी, उम्दा पिकअप शॉट और फिर से बैकफुट पर खेलने का मौका मिला और बड़ी अच्छी आवाज बल्ले से सुनने को मिली और नतीजा भी शान मसूद के. कट शॉट खेला और मिस फील्डिंग. अहमद बशीर इनको अभी अभी बॉलिंग से हटाया गया, गेंद ने उनका पीछा किया. और शानदार हिट, लाजवाब हिट इस बार शान मसूद की, ये उनका पहला छक्का और ये उनका खासुल खास शॉट है. एक बार फिर अच्छी आवाज आई है कानों तक और ये गेंद पहुंच गई हद पार. चुकन्ना रहना है हर बॉल पे. एक और दिल का शॉट, एक और चौका. शान और साइम जो है वो दोनों एंड से पिटाई कर रहे हैं. कट किया, गेंद सीधी हाथों में गई उमर अकमल के. ये थिक आउटसाइड एज और बेल आखिर विकेट मिल गई अहमद को. यहाँ पे कंसिस्टेंटली बॉल करना था, ये बॉल अंदर की तरफ आया, थोड़ा क्लोज था ये,
बड़ा करीब था उनके ये कि कट शॉट खेलते, ये अच्छा सेटअप करके आउट किया है इन्होंने। डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि आगाज़ मिल गया था, 28 रन बनाकर वापस जाएंगे 6 ओवर्स के बाद 63 पर एक कराची वाइट्स। 63 they are. And this one has been flicked in the gap. Fine leg was in the circle. Bad bowling that. Bad start by Amir. And advantage taken by Shan, who is set now. He's on 38 of 21. Oh, beautifully done. That's a big shout. Ahmed Bashir has got his second one. Brilliant delivery to end the innings of Umair bin Yusuf. Pitching on a good length. And moving away, no chance for the batter on this occasion. See this one, pitching on Miral and off, leaving the batter, and who had no choice. He just stood his ground and could not do anything about it. That was the quality of the ball. And Ahmed Bashir taking that second wicket, which was required by Lahore Whites to come back in the game. And now we are talking. Now it's game on. And another wicket here, and the pressure definitely would be back on Karachi. Umair bin Yusuf goes for three. The Pakistan Cup. Cuts well, Shan. That's a beautiful shot. That will earn him a boundary. Oozing class on this occasion was Shan Masood. So the batters, yes, the graphic does show this one is again driven on the up in the gap. And the fielder on the boundary will stop it. And two runs to Shan, and he goes to a brilliant 50. Completed in 33 deliveries. What a wonderful knock. And they can afford to play easily. Again, you see ball within the stumps. It's his, that's his area. You just can't keep him quiet over there. Beautifully stroked away through mid wicket and mid on, four runs. वो बहुत अच्छे runners भी थे. शानदार shot, beat किया point को और third man को भी. उम्दा batting का सिलसिला जारी है शान मसूद की. शानदार लाजवाब पुल शॉट शान मसूद का काम इस वक्त कामरान अफजल के लिए. यही वजह है कि शॉट्स लगेंगे. आसानी के साथ क्लियर किया मिड ऑफ को और शान मसूद का ये खासा है. शान मसूद और अब कट शॉट, कोई मौका नहीं पॉइंट के लिए. चार रन का और इजाफा. इमरान डोगर ने एक ओवर किया था शेलैंड से, अब पवेलियन से आएंगे. और ये ओवर पिच गेंद मिल गई, कवर ड्राइव किया, चार रन्स, अच्छी रीच दिखाई शान मसूद ने. और अब बाउंड्रीज दोनों एंड से आने लगी हैं आसानी से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के. और ये बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे शान मसूद जो हैं कामरान अफजल कि इस गेंद को भी उन्होंने शॉट बना लिया. ब्यूटीफुल शॉट, डजंट गेट एनी बेटर देन दिस फॉर असद शफीक. आउटसाइड द ऑफ स्टंप विथ गिवन टक्ड अवे अगेन. टू इज द कॉल और इज इट गोना गो फॉर द बाउंड्री? नो, टू, यू शुड लुक बैक टू गेट थ्री. यस दे डू, दैट्स द 100. नो इट्स नॉट, मे बी जस्ट वेटिंग फॉर द अंपायर्स डिसीजन. He's not celebrating, or he is. Yes, here he is. 15th century for Shan Masood. Second at Rawalpindi Cricket Stadium. And what a time to get it. What a performer. What a player. You just cannot sit back and wait. And this one has been pulled over mid-wicket. Bounces away for four runs. There was no fielder there in the deep. And Asad Shafiq knew it all the way. He just placed it. Century score ki aaj. Khubsurti ke saath upper cut khela. असद शफीक ने और फील्डर सरतोड़ कोशिश के बावजूद गेंद को नहीं रोक पाए. असद शफीक बड़ी उम्दा बैटिंग फॉर्म में आज नजर आ रहे हैं. निस सेंचुरी मुकम्मल की, 38वीं लिस्ट है निस सेंचुरी सिर्फ 56 गेंदों में कराची व्हाइट्स के लिए. उठा दिया शान मसूद ने खूबसूरती के साथ, गेंद को मिड विकेट फेंस के बाहर पहुंचाया. ये शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल थी, शान ने जल्दी लेंथ को रीड किया, निकाल दिया इस गेंद को थर्ड मैन के खाली रीजन पर. चार रन्स मिल जाएंगे असद शफीक को. थोड़ा सा खतरनाक जरूर था, लेकिन कराची के बैटर्स हैं वो ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं अपनी बैटिंग को. एक्सीलेंट बैटिंग, लॉन्ग ऑफ पे खेल दिया चार रन्स के लिए. कामयाबी रावलपिंडी की.
उम्दा शॉट खेला, आगे बढ़े और उसके बाद इस गेंद को चिप कर दिया मिड विकेट के ऊपर से असद शफीक ने। एक और उम्दा शॉट, इस बार भी नीट फुटवर्क, पहले मिड विकेट पर चौका लगाया अब एक्स्ट्रा कवर पर। करीबी मामला है दोनों टीम्स का, इसे टाइम कर दिया है और प्लेस भी शानदार तरीके से किया है, पॉइंट के फील्डर देखते रह जाएंगे क्योंकि बहुत शानदार तरीके से प्लेस किया हुआ है शॉट, बिल्कुल यकतरफा कर दिया। मुस्कुराहटें वापस ले आए कराची के कैंप में और इस तरह ये कामयाबी हासिल की कराची वाइट्स ने, उनने लाहौर को 8 विकेटों से शिकस्त दी है बहुत बड़े मार्जिन से, अभी जब 10 ओवर से ज़्यादा का खेल बाकी था और 177 रन्स की ये नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप जिसने कराची को ये खुशी दी। 35वें ओवर में साइम अयूब और उमर आउट हुए, उमर ये टीम जो है मतलूबा हदफ तक पहुंच गई। शान मसूद 121 रन बनाकर नॉट आउट रहे, असद शफीक 86 रन बनाए, 12 एक्स्ट्रा से भी मदद की कराची की खासतौर पर शुरू के ओवर्स में मोमेंटम रीगेन करने का जहां तक ताल्लुक था। सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके, अहमद बशीर 7 ओवर्स में 45 रन दिए के अलावा कोई भी बॉलर विकेट हासिल करने में नाकाम रहा और यही एक शिकस्त की वजह बनी कि कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका और पार्टनरशिप नहीं तोड़ सका। असद शफीक और शान मसूद के दरमियान काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, दानियाल 11 के इकोनॉमी रेट है, उसके अलावा स्पिनर्स जो कि कंसर्न है लाहौर वाइट्स के लिए, कामरान और साद ने 10 ओवर्स में लगभग 70 से 80 रन दे दिए हैं और यही वजह बनी कि ये विकेट्स हासिल लेने में नाकाम रहे, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी महसूस की गई। लाहौर वाइट्स ने 249 रन बनाए मुकर्रा 45 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर। तैयब ताहिर की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी, उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उमर अकमल ने भी 45 रन स्कोर किए, नौमान अली और अनवर अली ने 2-2 विकेटें हासिल की और जवाब में कराची रीजन्स ने अपने कप्तान शान मसूद की सेंचुरी के जरिए ये मैदान मार लिया 8 विकेट से और 2 कीमती पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए।